डायनासोर जैसे जीव के बारे में तो हम सभी को पता है कि आज से लाखों करोड़ साल पहले ये दुनिया पर राज करता था, और ये जानवर इतने बड़े और खतरनाक थे कि आज हम इंसान शुक्र मनाते हैं कि ये डायनासोर्स आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो डायनासोर्स के साथ साथ और भी डिफरेंट प्रजाति के जीव इस दुनिया में मौजूद थे, जिनमें से कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक थे कि उन जीवों के बारे में सोचकर भी आपका रूह कांप उठेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खतरनाक जीवों के बारे में बात करेंगे जिसे देख के आप भी हैरान हो जाओगे, और इनमें से आखिरी वाला जीव सबसे खतरनाक होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर एक पर है हेलिकोप्टेरा, जो कि एक शार्क है। ये तो हम सब जानते हैं कि शार्क आकार में बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, लेकिन अगर इसी शार्क के पास कोई एक एक्स्ट्रा हथियार हो फिर तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, राइट? तो ठीक ऐसी ही एक्स्ट्रा हथियार इस हेलिकोप्टेरा के पास भी था, जो कि था उसका दांत। और ये दांत कोई नॉर्मल शार्क की तरह नहीं था, बल्कि खतरनाक चेनसॉ की तरह था। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये शार्क उन जीवों के लिए कितना ज़्यादा भयानक था जो पानी में रहते थे। एक्सपर्ट की माने तो ये जीव आज से 30 करोड़ साल पहले देखा गया था, जो शायद उसके अगले 5 करोड़ साल तक ही इस धरती पर मौजूद था। इसका दांत इतना ज़्यादा धारदार था कि ये अपने शिकार को आराम से चीरकर टुकड़ों में काट सकता था, और ये आकार में भी 30 से 40 फीट जितना लंबा था। नंबर दो पर है मेगा पिराना। आप में से कईयों ने पिराना जैसी इंग्लिश मूवीज तो देखा ही होगा, जिनमें पिराना जैसी छोटी मछलियाँ हम इंसानों के लिए कितना ज़्यादा जानलेवा हो सकता है ये दिखाया गया था। सिर्फ इन मामूली छोटे पिराना के दांत कितना ज़्यादा धारदार हो सकता है इसका अंदाज़ा आपको वीडियो देख के तो लग ही गया होगा। तो सोचिए ये मेगा पिराना कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। मेगा पिराना आकार में 70 से 120 सेंटीमीटर जितना लंबा था, और ये मछलियाँ मायोसिन पीरियड के समय में अर्जेंटीना में पाए जाते थे। मेगा पिराना होने का सबूत साइंटिस्ट को उनके बचे कुचे फॉसिल से मिला था, जिसके सहारे वो उन पिराना के खतरनाक दांतों के पैटर्न आइडेंटिफाई करने में सक्षम हुए थे। हालांकि उन पिराना के शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन ये बात तो साबित होता है कि ये मेगा पिराना कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। नंबर तीन पर है आर्थोप्लूरा। अगर आपको मामूली कॉकरोच या स्पाइडर देख के घिन आती है, तो हो सकता है इस जीव को देखकर आप खुद को लकी महसूस करोगे कि ये जीव इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है। ये आर्थोप्लूरा असल में एक मिलीपीड है, जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। ये जीव आकार में 2 मीटर लंबे थे, और रिसर्चर्स के मुताबिक ये जीव शाकाहारी यानी पेड़ पौधे और फूल फल खाते थे। इनके शरीर के पीछे का लेयर या कवच काफ़ी शक्तिशाली था। ये जीव अतीत में नॉर्थ अमेरिका और स्कॉटलैंड में पाए जाते थे। नंबर चार पर है सार्कोसुकस इम्पेरेटर। ये जीव देखने में काफ़ी हद तक मगरमच्छ जैसा ही था, लेकिन अगर आकार और वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये जीव आज के मगरमच्छ के तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लंबाई में ये जीव 36 फीट और वजन में 8 टन से ज़्यादा हुआ करता था। 1957 में नाइजीरिया में पाए गए इस जीव के सर का अवशेष या कंकाल का साइज आज के एक इंसान के पूरे शरीर जितना बड़ा था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जीव कितना बड़ा और खतरनाक होता था। ये जीव खुद छोटे आकार के डायनासोर्स और मछलियों का शिकार करता था। नंबर पाँच पर है कैप्रोसुचस, जिसे देख के ये लग सकता है कि ये जीव मगरमच्छ और डायनासोर्स के कॉम्बिनेशन से बना हो। देखने में ये जीव मगरमच्छ जैसा ही था, लेकिन इसकी टांगे एकदम डायनासोर्स की तरह लंबी थी। लंबाई में ये जीव 21 फीट का होता था। आजकल के मगरमच्छ भले ही खतरनाक हो, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि ये मगरमच्छ ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता है, लेकिन यही कैप्रोसुचस की लंबी टांगों की वजह से ये बहुत तेज भागकर अपने शिकार को आराम से खा सकता था, जो आजकल के मगरमच्छ नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में ये दो जीव इस दुनिया के सबसे भयानक जीवों में से एक माना जाता है, जो समय के साथ विलुप्त हो चुका है, जिनमें से एक है टाइटानोबोआ। शायद ये दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा सांप था। ये जीव आज से 60 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करता था, जिसकी लंबाई थी लगभग 50 फीट और इसका वजन 1000 किलो तक हुआ करता था। टाइटानोबोआ का शिकार करने का तरीका भी बिल्कुल आज के अजगर सांपों की तरह ही था। टाइटानोबोआ अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़कर दम घुटकर मार देता था, और फिर शिकार को वो एक ही बार में निगल लेता था।
ये जीव इतना डेंजरस था कि छोटे आकार के डायनासोर्स और मगरमच्छ को पूरा निगल जाता था। आज तक पाए गए सबसे बड़े सांप का वजन है 250 किलो, लेकिन दूसरी तरफ यही टाइटनोबुआ लगभग 1000 किलो तक हुआ करता था। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इस जीव को क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। लेकिन अगर टाइटनोबुआ को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक ही प्राणी है, और वो है मेगालोडॉन, जो कि आज के लिस्ट में सबसे खतरनाक और विलुप्त जीव है। मेगालोडॉन का साइज लगभग 70 फीट तक होता था, जो आज के 3 व्हाइट शार्क को मिलाकर बनता है, और इसका वजन ग्रेट व्हाइट शार्क से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। इस जीव के लंबे 7 इंच दांत से ये पता चलता है कि समुद्री जीव की एक घातक बाइट किसी भी शिकार को 2 टुकड़ों में काट सकता था। 6 मीटर से ज्यादा बड़े जबड़े और 7 इंच के 270 दांतों की मदद से ये शार्क छोटे शार्क को आराम से निगल सकता था। इस जानवर को आज से 150 लाख साल पहले देखा गया था, लेकिन जब समय के साथ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ और समुद्र का पोर्शन कम होने लगा, तब से इन मेगालोडॉन का विलुप्त होना शुरू हुआ, और आज से 25 लाख साल पहले ये प्रजाति इस दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो गई। लेकिन कई लोगों के मुताबिक मेगालोडॉन आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। तो इतने सारे खतरनाक विलुप्त जीवों में से आपको कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।